मेहता का उल्टा चश्मा। घड़ी खंबा जी, ये राजस्थान से हो? मैं भी राजस्थान से जी। हमारा परिवार नाटक मंडली में काम करे जी। हमारा गांव डूंगरपुर है जी। सारा गांव कौन सा है? गोरेगांव। गोरेगांव गांव खरीदने थोड़ना है, गाड़ी खरीदना है। आप भी कुछ बोलते नहीं है। मैडम आप गाड़ी दिखाइए प्लीज। का आपको कैसी कार चाहिए? अच्छा वो के मैडम परसों इनकी एनिवर्सरी है तो आके लिए गाड़ी चाहिए। आप इनके मेरी लुगाई है मेरी लुगाई। तो आपकी भी तो एनिवर्सरी हुई ना? हाँ हाँ, मतलब हमारी एनिवर्सरी है। तो कैसी कार चाहिए आपको? वेरी टाइट ऑन आवर बजट, वी आर लुकिंग फॉर अ बजट कार व्हिच आल्सो गिव्स अस गुड माइलेज। काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं आप। इतनी अंग्रेजी आवे मन है। डायलॉग तो मारो नाटक में। गुड, यहाँ पे सभी कार ऐसी मिलेंगी जो आपके बजट में होंगी और अच्छी क्वालिटी की। वैसे आप बताएंगे आपको किस टाइप की कार चाहिए? मैम आपके एनिवर्सरी का गिफ्ट है तो आप ही बता दीजिए आपको कौन सी कार पसंद है। हाँ। मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? थोड़ी, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये कपल को मैंने तुम्हारे गैरेज के पास देखा था। पीड़ित तू 100% श्योर है कि ये वही कपल है? 100% तो नहीं लेकिन 50-50। और तो फिर तू 100% यहाँ ध्यान देना, जो काम करने हैं वो गड्डी में एक यार। ये ठीक है, और कोई गाड़ी देख सकते हैं? सर एक से एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, आप आइए मेरे साथ। चलो मैं क्या कह रही थी, वहां जाके गाड़ी देखते हैं ना, वो लोग भी देख रहे हैं। मैम वो अलग कस्टमर है, आपकी सेवा के लिए मैं हूँ ना। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कार दिखाती हूँ। आइए। तो एक गगन प्रा, वो थोड़े इतने एक से एक गाड़ी है, टॉप क्लास है, दिल खुश कर देता। सर यहाँ सिर्फ कहने के लिए प्री ओन कार्स होते हैं, लेकिन हर गाड़ी बेस्ट है। पिडू तू दस, वो तेरे को कैसी गाड़ी चाहिए? मतलब गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में हो, सीट टायर इंजन एकदम अच्छे हो, कलर पे स्क्रैच ना हो और एक बार भी एक्सीडेंट ना हुआ हो। सर यहाँ पर वाइड रेंज क्वालिटी कार्स जो 376 चेक पॉइंट से पास होकर यहाँ पर आती है। आप निश्चिंत रहें, जो कार आपको चाहिए यहाँ पर हर कार में आपको वैसी ही खूबियाँ मिलने वाली है। यहाँ पर एक एक कार का इंजन से लेकर के पेंट तक एक एक पार्ट को चेक करके उसे रिफर्बिश करके परफेक्ट बनाया जाता है। अरे वाह सर, प्री ओन कार्स खरीदने के लिए ये जगह बेस्ट है। सर हमारा एक प्लस पॉइंट है। सर आपको कैसी कार चाहिए और आपका बजट क्या है? 70-80 हजार या ना, ना 70-80 लाख तो हमारे घर का बजट है। गाड़ी का बजट तो 4-5 लाख है। चलिए। हाँ देखिए गगन जी, मेरा बजट 4 लाख है। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे पास हर बजट में कार है, आप आइए मेरे साथ। सर ये कार कैसी लगी आपको? रेड कलर, 4 लाख बजट। वाह वाह, काय मस्त कलर है, एकदम ब्राइट टमाटर रेड। गाड़ी पीछे से देख लें। हाँ। ओके। लेकिन इसके तो 2 ही दरवाजे। नहीं सर 4 ही दरवाजे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और वहाँ पे एक होगा ना। सर पीछे वाले दरवाजे का लॉक उस तरफ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सॉलिड है, ये फेवरेट स्टाइल है ना, इधर और इधर। वाह वाह वाह, मस्त मस्त। आप ढंग से सब कुछ जान लीजिए, मैं आगे और भी गाड़ियां देख के आई। मैं इसका फोटो ले सकता हूँ? बिल्कुल सर।
थोड़ा पिछो ग्रिल ग्रिल थोड़ा सा अच्छा अंकल सॉरी भाई साहब एक मिनट भैया जी सुनिए सुनिए आप थोड़ी देर पहले ये इसके मतलब ये सोड़ी गैरेज के पास थी ना तनिषा आप कहाँ क्यों रही है क्या हुआ बेंजी मैं पराए मर्द से कोनो बात ना करूं अरे पिटवाएगा तू लेडी देखने आया गड्डी अरे गोली यार मरवाएगा तू माना कि मिशन इम्पोर्टेंट है लेकिन भागरो की तरह तो जासूसी मत कर वरना पूरा मिशन ही फेल हो जाएगा यार वो लेडी नु छट्टे गड्डी दे ध्यान दे हां 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 ओ मैंने तो बड़ी पसंद आई है मुझे भी अच्छी लगी हां आप ये गाड़ी के बारे में क्या बता रहे थे जी ओ गगनप्रा ये लेटेस्ट मॉडल कम चली हुई परफेक्ट कंडीशन में कार है ना सर यहां पे सभी कार्स काफी परफेक्ट कंडीशन है और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये लेटेस्ट मॉडल है काफी कम किलोमीटर चली हुई है और सबसे खास बात पास में सिर्फ एक ही ओनर रहा है और सर ना कोई स्क्रैच है ना कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके बजट में 4 लाख अरे वाह 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 ओ मैं की कह रहे पिडू ओ बाहर से तो गड्डी की कंडीशन टॉप क्लास लग रही है एक बार अंदर से भी देख ले टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं क्या टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं बिल्कुल सर टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं लेकिन उसके लिए सर मुझे सिर्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा फॉर डॉक्यूमेंटेशन फॉर फॉर्मेलिटी हां ये तो गाड़ी लेके निकल गए मैडम वो लोग ने गाड़ी खरीद ली नहीं नहीं मैम वो टेस्ट ड्राइव के लिए गए हैं आपको वो रेड कार पसंद है आप ही के बजट में है ना ना दनिषा मैंने रेड वाली कार बहुत पसंद है अच्छा अरे वाह मैम आप मेरे साथ आइए मैं आपको वैसी ही कार दिखाती हूँ सेम मॉडल और आप ही के बजट में हमें 10 मिनट देंगे हम सोच के बताते हैं Sure, ma'am. Take your time. सर कैसी लगी टेस्ट ड्राइव अरे बहुत बढ़िया मुझे तो बहुत अच्छी लगी चला के गाड़ी अभी डॉक्टर साहब को पूछते हैं भाई कैसी लगी ड्राइव ओए पिड़ू तो मेरे लिए तो गड्डी ना मस्त का मलाई है एकदम इंजन स्मूथ है गियर बॉक्स इंटैक्ट है टायर एकदम बढ़िया टॉप क्लास वो एसी की कूलिंग एकदम ठाठा मेरी तरफ से गड्डी ओके है अगर तेनु पसंद है तो फिर बात आगे बढ़ाए हाँ हाँ बिल्कुल तुम गाड़ी के डॉक्टर हो भाई सोड़ी अगर डॉक्टर कह रहा है कि गाड़ी हेल्दी है तो फिर हेल्दी है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो पीड़े जी डील डन करें हाँ डॉक्टर सोड़ी ने बोल दिया तो डन 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 सर कांग्रेचुलेशन थैंक यू कांग्रेचुलेशन लक लक बताइए थैंक यू सोड़ी थैंक यू अच्छा पीड़े अंकल ये रेड गाड़ी खरीद रहे हैं भाई ओ पीड़ू एक और गल तो आगे चल के अगर ये गड्डी बेचनी भी हो ना तो ये लोग गाड़ी खरीदते भी हैं सेम प्राइस में मजा करो मजा करो सर आप लोग अंदर चलिए मेरे साथ कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके यस हेलो मैम हेलो सर आपने कुछ डिसाइड किया हां जी वो एक बार हम घर पे बात करेंगे और फिर ही डिसाइड कर पाएंगे तो बाद में बताएंगे ओके नो वरी बाय बाय कांग्रेचुलेशन सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर अरे तो अंकल तो गाड़ी लिए बिना ही चले गए हाँ यार चल चल उनको चल के पूछते हैं चल चल भाई साहब वो लोग ने गाड़ी खरीद ली जी ले ली उन्होंने कार तो फिर वो लोग गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए एक्चुअली गाड़ी कल घर पे उनके डिलीवर होगी कितने बजे सुबह 11 बजे लेकिन आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं असल में ना वो गाड़ी हमें बहुत पसंद है उन्होंने ये गाड़ी 4 लाख में खरीदी ना आई एम रियली सॉरी लेकिन
कस्टमर की प्राइवेट डिटेल्स हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। माधवी भाभी तो कम ऑन, आप ज्यादा मत सोचिए कि सरप्राइज क्या होगी, कल आपको पता चल ही जाएगा। नहीं बरोबर है, पर जब से इन्होंने बोला है ना सरप्राइज के बारे में, तब से वही सोच रही हूँ क्या सरप्राइज होगा, क्या सरप्राइज होगा। तद्दन साची बात है। एक वक्त रोशन ने मुझसे कहा कि रोशन डार्लिंग मैं संडे को तेरे को सरप्राइज देने वाला हूँ, फिर पता है क्या हुआ? सॉरी मैंने आपको सरप्राइज दिया ही नहीं ऐसा। नहीं रे नहीं बाबा, रोशन सरप्राइज को लेकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने मुझसे कहा मैं तेरे को संडे को डिनर पे ले जाने वाला हूँ और मूवी दिखाने वाला हूँ। सोड़ी भाई। सोड़ी भाई ऐसा कर सकता? नहीं ये सोड़ी भाई जैसे नहीं है ना, बताएंगे नहीं तो नहीं ही बताएंगे। अरे माधवी भाभी सरप्राइज क्या मिलने वाला है इस बात की टेंशन छोड़िए और इस बात की खुशी मनाइए कि कल आपको सरप्राइज मिलने वाला है। नहीं वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है ना। माधवी भाभी सॉरी पर भिड़े भाई को क्या सरप्राइज देंगे वो मुझे और बबीता को पता है। मुझे क्यों नहीं बताया? तू कब से बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना क्या सरप्राइज है। क्या कोमल भाभी आप भी ना, ये बात थोड़ी बतानी थी माधवी भाभी को। क्यों नहीं बतानी थी? बताइए ना। बबीता माधवी भाभी अपनी फ्रेंड है तो बता देते हैं ना। हाँ हाँ मंजू कहाँ है? बताना ही चाहिए, बताइए ना प्लीज। चलो ठीक है बता दे। मैं? हाँ नहीं नहीं तुम बताओ। अरे नहीं ना आप बताओ चलो। अरे कोई भी बताओ लेकिन बताओ प्लीज। ओके लिसन, भिड़े भाई आपको जो सरप्राइज देने वाले हैं ना वो आपको कल पता चल जाएगा। क्योंकि क्या सरप्राइज है वो हमें भी नहीं पता, हम आपके साथ बस मजाक कर रहे हैं। अरे आप लोग कैसे मजाक करते हो? पता नहीं क्या सरप्राइज देने वाले हैं ये। ओए हैप्पी, ओए बिट्टू, ओए गगन, ओए खुशखबरी। की हो गया बाजी? ओए बारी परसी खटन गया सी ते खटके ले आंदा अचार। ओ भंगड़ा पाओ यार, ओ माहौल बनाओ यार, मेरे पिड़ू ने ले ली कार। पाओ यार इतनी अच्छी डील दिलाई है मुझे यार, अच्छी डील करवाई है तो एक अच्छी सी जब्बी दे दे। अच्छा सॉरी, रोशन भाभी को एक कार वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं पता चलेगी। नहीं नहीं पता चल जाएगी। ऐसे रात को जब तू पार्टी शार्टी करेगा तो नशे में खुशी में बोल देगा और रोशन डार्लिंग पीड़ू ने कार ले ली। ओए पीड़ू रोशन घर पे है, कैसे करूंगा पार्टी शार्टी? हां थैंक यू, तू चिंता ना कर, मैं रोशन को भी नहीं बताऊंगा और गोगी को भी नहीं, क्योंकि गोगी सोनू को बता देगा। अरे हाँ ये बात सोनू को भी पता नहीं चली चाहिए, वरना वो माधवी को बता देगी। करेक्ट है। अरे विनय काका को फोन करना तो रह ही गया। हाँ नमस्कार विनय काका। हाँ राम 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 राम। हाँ मजेद मजेद। अच्छा ये बताने के लिए फोन किया कि कार बुक हो गई है, हाँ कल सुबह 11 बजे आ जाएगी। हाँ अच्छा हाँ काका ये बात मैंने माधवी और सोनू को नहीं बताई है तो आप भी फोन करके मत बताना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ओहो चला चला ठेव तो ओके। अच्छा सोड़ी मेरा एक काम है, फोन निपटा के मैं फिर सोसाइटी जाऊंगा। हाँ चल मैं भी काम पे लगता। चलो अरे हाँ सोड़ी मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। ओए पिडू किसी को नहीं बताऊंगा, अब निश्चिंत होके जा तू। चलो ओके।
मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी की कल्पना कई बार मैं तीखी, चटपटी और बिल्कुल खट्टी मीठी भेल की तरह करता हूँ। है ऐसा ही है। देखिए ना, भिड़े मास्टर है वो बिल्कुल कुरमुरे की तरह सीधे साधे हैं, और हमारी ये जो टपू सेना है वो तीखी चटपटी चटनी जैसे स्वाद वाली है, और टमाटर और कच्ची करी के मिजाज वाला हमारा महिला मंडल। तो अब देखना ये है कि इन सबको मिला के जो भेल बनती है इसमें स्वाद तो बड़ा कमाल का आता है, लेकिन ये जो सीधे साधे स्वभाव वाले जो हमारे कुरमुरे जैसे सिद्धांतवादी भिड़े हैं, ये परेशानी में पड़ने वाले। कहानी का मोड़ ऐसा होगा जिसमें गांव वालों एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है और सबसे बढ़कर कॉमेडी भी है। लेकिन होने क्या वाला है, कुछ ऐसा होगा जिसे जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और जब आप देखेंगे तो इस हास्य यात्रा में आप पाएंगे तो मोड़ तो बड़ा कमाल का है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.